देखती आंखों सुनते कानों को अली अरसलान का सलाम। आप देख रहे हैं सोशल वाइब्स और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इससे पहले कि मैं कोई नई फिल्म डालूं, आप सब्सक्राइब लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और मैं ज़रा जा रहा हूँ वॉक करते करते, दूध लेने। अभी अभी किया है नाश्ता और वीकेंड चल रहा है। आपकी तरफ तो पता नहीं क्या चल रहा है, फोक चल रहा है या क्या चल रहा है, इधर तो वीकेंड चल रहा है। और मज़े की बात कि सर्दी फिर लौट आई है और बड़े मज़े का मौसम है। लेकिन ऐसे मौसम में ना आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें गांव में किस तरह का मौसम होता है। तो ये ज़रा नज़र आ रहा होगा और आपको पीछे ज़रा कीचड़ भी नज़र आ रहा होगा। मतलब अच्छा व्यू दे रहा है तो कोई नहीं, हम इसको वो क्या कहते हैं, बेर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं इस कीचड़ को, अगर व्यू अच्छा है तो। सीन कुछ इस तरह का है कि अभी जो मौसम है ना, तो वो मौसम इस तरह का वो है जिस तरह मैं गया था जुलाई 2022 में हुंजा और वो खुंजरा पास और ये सारे नॉर्दर्न एरियाज़ में। गो के हम बागम बाग गए हैं, बागम बाग आए हैं, लेकिन अच्छा गए हैं और अच्छा आए हैं क्योंकि उसके बाद बहुत सी जो है ना बारिशें हुई और उसके बाद सैलाब आए, पुल टूटे, बहुत मसले मसाइल हुए। तो अब भी सीन कुछ इस तरह का है कि मुझे ना उसकी याद आ रही है बिल्कुल सेम। अभी जिस तरह की ठंड है ना, इस तरह का मौसम था हुंजा वाली साइड पे। बीच में कुछ एरिया में ज़्यादा ठंड भी थी, लेकिन ये मैं हुंजा वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो मुझे वो याद आ जाता है। क्या ही सीन है, कसम से कोई चहल पहल नहीं पैसे की, कोई खामोशी, बिल्कुल सुकून। ऐसे लगता था ज़िंदगी रुक गई है थोड़ी देर के लिए। और ख़ास करके इस्लामाबाद में ज़िंदगी बड़ी फास्ट चलती है, यहाँ पे कंपटीशन बड़े आई हैं, आपको जो है ना पुट सिद्ध करना पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बात बड़ी सीरियस हो गई थी। पॉइंट यह है कि मैं दूध लेके वापस आ चुका हूँ, हालात बदल गए और आपके जज्बात बदल गए। दूध बड़ा खालिस है और ये तो नहीं बताऊँगा आपको कहाँ से ले के आया हूँ। आज ही सारा कुछ बता दूँ तो फिर क्या बताऊँगा आपको, आगे आप खुद समझदार हैं। बाकी बात यह है कि अब ये नहीं पता सर्दी आ रही है कि सर्दी जा रही है, बस सर्दी आ गई है वापस। मौसम फिर से अचानक बदल गया है और ये आपको नज़र आ रही होगी। गंदम में हल्की हल्की पिलाहट आई थी, लेकिन दोबारा जो है ये अभी मुझे नहीं पता, दो चार धूपें दोबारा लगेंगी इनको तो फिर ये वैसी हो जाएगी। अभी येलो येलो होना शुरू हो जाएंगी ये। बहरहाल फ़िलहाल तो ज़रा ठंड वाला माहौल बना हुआ है, ठंड प्रोग्राम। और वैसे तो ये अल्लाह का एक करम है, बारिश रहमत यह है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और आगे कुछ 4-5 दिन बाद माशाल्लाह रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है, तो उसके लिए तो ज़रा थोड़ा अच्छा हो गया है। और कुछ पानी की कमी ज़रा थी, पानी भी पूरा हो जाएगा ज़मीन में ज़रा, क्योंकि पानी आजकल ना बोरिंग में कम हो रहे थे, लोगों के ऐसी कंप्लेन आ रही थी। और ये सीन हालात वाकयात हैं, अभी आपको नेक्स्ट स्टोरी बताता हूँ, अगला सीन भी बताऊँगा। आपने जाना कहीं नहीं है, इधर ही रहना है। मुझे पता है जाने के आप बहुत काले होते हैं, बहुत जल्दी होती है आपको, लेकिन जाना कहीं नहीं है आपने। देवियों और सजनों, नेक्स्ट इंडिया के अजीब मौसम है भाई, कभी सर्दी कभी गर्मी। अभी गर्मी लग रही है बाहर क्योंकि हल्की हल्की धूप निकल आई है। अभी हम आने लगे हैं पावर शेक, आपको बताते हैं कि पावर शेक बनाते कैसे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इंग्रेडिएंट्स हैं पावर शेक के। 3 अदद खजूरें यानी कि डेट्स, दूसरी वाली नहीं, डेट्स। और बनाना 3 अदद मैंने लिए, आपकी मर्ज़ी है। और ये थोड़े से जो है 4 मगज़ और 3 से 4 अदद बादाम, 5 भी हो सकते हैं, काजू भी आप डाल सकते हैं। तो क्योंकि अभी ज़रा काजू वाला मौसम नहीं रहा, तो ये बनता है पावर शेक। अभी दिन को डॉक्टरों की बातें ही सुनते रहते हैं, प्रैक्टिकल किया करें प्रैक्टिकल। अभी इसमें फेंकेंगे हम 2-1 गिलास दूध के और उसमें ये, और उसके बाद कड़ाह कड़ाह होगी ग्राइंडर की, और फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट सीन में। इस सारे माल मटीरियल में 2 अदद खालस दूध के गिलास फेंकने के बाद ये माल है लाल है, अभी तैयार है। अभी देखें, अभी इसको हम करेंगे कड़ाह कड़ाह, उसके बाद मिलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ठंडा ठार पावर शेक रेडी है। और टेस्ट इसका क्या बताऊँ आपको कैसा होता है, क्योंकि मेरी तो ये रूटीन में है। तो बस ये पिया करें और खुश रहा करें, साढ़े नाल रहसो ते ऐश कर सो, दुनिया दे मज़े कैश कर सो। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, खुश रहा करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। शुक्र अल्लाह का हर नेमत फजल करम के लिए जो अता फरमाया और अता फरमाएगा। धूप थोड़ी तेज़ निकल आई है और आँखों में लग रही है। और अभी मैं आया हूँ छत पर और आपको दिखाता हूँ जो हमारे हमसायों ने तोड़ फोड़ का काम शुरू किया था घर रेनोवेट करने के लिए, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है माशाल्लाह। उन्होंने जो है सफाई सुथराई कर दी है, जो मलबा वगैरह था वो काफ़ी सारा क्लीन कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में जब ये तोड़ रहे थे, तो आप ये देखें, ये माशाल्लाह कचरा शचरा भी इन्होंने काफ़ी सारा उठा लिया, बस थोड़ा थोड़ा रह गया है। और ये अब स्पेस बनी है यहाँ पर और ये अभी काम जारी है, मतलब ईंटें एक साइड पर इकट्ठी कर रहे हैं और बाकी जो है कचरा साथ साथ समेट रहे हैं।
और अब कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी है ये। और बाकी ये आपको नज़र आ रहा होगा, अभी बंदे लगे हुए हैं, इन्होंने ठेका लिया था, मुझे नहीं पता कितने का ठेका हुआ है, बहरहाल वो इनसे बाद में बात करेंगे, सारा कुछ आज ही बता दूंगा। तो फिर आपने तो फिर हमें देखना ही नहीं है ना, फिर तो आपने सारी फिल्में समझ जानी है। बैर काफ़ी सारे रेडी हैं, खाने हैं, तो आ जाओ। ये कोई ग्रीन ग्रीन पाकिस्तान हुआ हुआ है, ये कोई आजकल हालात वा क्या चल रहे हैं, बड़ी प्यारी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। छत से उतरने के बाद सीधा मैं आया हूँ अपने मिनी गार्डन में, ये हमारा मिनी गार्डन है, ये देखें, ये एक इधर अनार लगा हुआ है, और जब अनार लगेंगे तो यहाँ से हम मंडी भी जवाया करेंगे और अपने सब्सक्राइबर को भी दिया करेंगे। और बाकी ये जो है, ये बड़े मज़े के फूल लगे हुए हैं, लिटरली मुझे नहीं पता ये कौन से फूल हैं, अल्लाह जानता है, लेकिन ये मुझे पता है गुलाब का है, और रेड गुलाब तो आपको पता है, बांटते बांटते उम्र गुजर गई है हमारी, लेकिन फिर भी क्या बताएं आपको, छोड़ें। अच्छा, ये मिनी गार्डन है मेरा, और यहाँ से भी जो है ना, ये गुलाब के फूल हम मंडियों में भिजवाते हैं, वो आगे पीछे सप्लाई होती हैं दुकानों पर, तो ये जो शादियों पर आगे पीछे फेंकते हैं, ये हमारे मिनी गार्डन से जाते हैं, और बहुत बड़ा गार्डन है ये मिनी, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ज़्यादा संजीदा नहीं लेना आपने मेरी बात को, आगे भी दो तीन दफ़ा सीन हो चुका है कि मैं कहीं गया तो मुझसे लोग पूछने लगे, वाकई आपके घर से जो सब्जियां सब्ज़ी मंडी में जाती हैं, तो मैंने कहा जी क्या बताएं अब आपको, इतने नादान हैं आप, तो ये सीन हो जाते हैं बाज़ औक़ात। मिनी गार्डन से होते होते सीधा मोटरवे के ज़रिए हम पहुँचे हैं निमो डार्लिंग तक। ओ माई लव, ये देखें निमो डार्लिंग के हालात बड़े गंदे हुए हुए हैं, क्योंकि बाहर कीचड़ था, और आज अभी फिर मैंने कहीं जाना है तो इसलिए इसको वॉश नहीं कराया, तो अभी काफ़ी सारी ये डस्टी और कीचड़ी कीचड़ी सी हुई है। ये देखें, ओहो हो हो, ओ माय गॉड, आगे आ जाता है हमारा मेन गार्डन। तो मेन गार्डन आजकल ज़रा पता है आपको ग्रीनरी ग्रीनरी है, तो ज़रा पोपट लग रहा है ये, खूबसूरत तो मैं ही हूँ, मतलब आपने गार्डन को ज़्यादा खूबसूरत नहीं समझना। और ये आगे बस अभी देखा, आपको बताया था कि गर्मियों का जो है वो अभी फसल तैयार हो रही है, ये पुदीना माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, तो वाओ मेरी तरह खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत सिर्फ एक मैं ही हूँ, आपने धोखा नहीं खाना। ये थे आज के कुछ सीन जो आपसे शेयर करने थे, और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, जाना कहीं नहीं है, मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, इसके साथ ही मैं ये वाला व्लॉग एंड करता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।